क्लास 5 पार्ट 4। आज हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग शेप के बारे में, यानी हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स में शेप को ले सकते हैं। एमएस वर्ड अलाउ यू टू इंसर्ट शेप इन योर डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड जो है हमें अलाउ करता है शेप को इंसर्ट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में। एमएस वर्ड इटसेल्फ कम विथ रेडीमेड सेल। एमएस वर्ड में इट्स यानी ऑटोमेटिकली इसमें क्या होता है, रेडीमेड शेप होते हैं, इसको हमें बनाना नहीं पड़ता, शेप सारा उसमें रहता है। टू इंसर्ट शेप परफॉर्म द फ्लोइंग स्टेप। अब जो हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स में इस शेप को यूज़ करेंगे उसके लिए हमें यहाँ स्टेप दिए हुए हैं वो जानेंगे। क्लिक द इंसर्ट टैब, हमें इंसर्ट टैब पे जाना है, वहाँ पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक द शेप फ्रॉम द इलुस्ट्रेशन ग्रुप, और यहाँ पे इतने सारे इलुस्ट्रेशन यानी उदाहरण जो दिए हैं सारे इसमें शेप्स हैं उसको हमें लेना है, जो भी हमें शेप लेना है वो हम लेंगे। एक गैलरी विद डिफरेंट ग्रुप ऑफ शेप्स अपीयर्स, और ऐसे दिख रहा है इसी में से हम जो लेना चाहें ले सकते हैं। क्लिक ऑन द शेप एंड डार्क टू ड्रॉ इट ऑन द डॉक्यूमेंट्स, और हमें इसे डॉक्यूमेंट्स में जहाँ लगाना है वहाँ हम इसे माउस के द्वारा डार्क करके ले जाएंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं हमारा शेप आ गया, स्माइली शेप हमने लिया है। When you finish drawing the shape, a format tab with many tools automatically appears as snow. और जैसे ही हम ये करेंगे डार्क करेंगे हमारे स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स में ये क्या हो जाएगा, shape automatically आ जाएगा। You can use these tools to format the shape by you have draw, और इसे हम format कर सकते हैं shape को जो हमने draw किया है। Using shape fill, अब ये shape हमने ले लिया, इसे कैसे कलर से इसके अंदर कलर हम फिल करना चाहते हैं तो वो कैसे फिल करेंगे। टू फिल कलर इन द ड्रॉ शेप परफॉर्म द फ्लोइंग स्टेप ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हम जानेंगे कि कैसे हमें कलर भरना है इसमें। सबसे पहले सेलेक्ट द शेप, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा शेप को। द फॉर्मेट टैब ओपन्स, और टैब से फॉर्मेट टैब्स ओपन हो जाएगा। क्लिक सेव फाइल, सेव फाइल हमें खोलना है, ए लिस्ट अपीयर, और ऐसा लिस्ट खोलता हुआ आएगा। सेलेक्ट द कलर रिक्वायर्ड बाय यू, यहाँ पे इतने सारे कलर्स दिख रहे हैं हमें, जो कलर्स लेना होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। यूजिंग शैडो इफेक्ट, और ये हम देख रहे हैं हमारा कलर जो हो गया इसमें आ गया। अब हम चाहते हैं कि शैडो इफेक्ट यानी इसकी परछाई बने, तो वो कैसे हम बनाएंगे। टू ऐड द शैडो इफेक्ट ऑन द शेप परफॉर्म द फ्लोइंग स्टेप, उसके लिए हम नीचे कुछ स्टेप हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लिक ऑन द शेप, हमें शेप पे जाना है। द फॉर्मेट टैब ओपन्स, और वहाँ पे फॉर्मेट टैब से ऐसे ओपन होते हुए आ रहा है। क्लिक शैडो इफेक्ट फ्रॉम द शैडो इफेक्ट्स ग्रुप, और शैडो इफेक्ट्स में से हमें एक शैडो इफेक्ट्स क्लियर करना है, एक तो या तो पूरा आएगा या फिर थोड़ा सा आएगा। शैडो पूरा भी आ सकता है, थोड़ा सा भी आ सकता है, जो भी हमें लेना है इसमें से हम वो सेलेक्ट करेंगे। ए लिस्ट ऑफ स्टाइल विल बी डिस्प्ले, जैसा यहाँ हम देख रहे हैं डिस्प्ले कर रहा है। सेलेक्ट द स्टाइल एंड क्लिक ऑन इट, और उस पर जो भी हमें चाहिए होगा वो हम स्टाइल क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे और उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। द शेप विल गेट सेलेक्टेड शैडो इफेक्ट, और हम देख रहे हैं ऐसे कि कैसे इसमें शैडो इफेक्ट शो कर रहा है। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट डे हम और पढ़ेंगे।